सिवनी मालवा तहसील के किसान इन दिनों अपनी फसल को लेकर खासे परेशान हैं। हालात तो ये हैं कि यहाँ के केल क्षेत्र के किसान अपने खेतों में लगी गेहूं की फसल में पहला पानी भी नहीं दे पाए, जिसके चलते फसलें सूखने की कगार पर आ गई हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे सिंचाई विभाग के अधिकारियों को किसानों की जरा भी फिक्र ही नहीं हो। किसानों की माने तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों के भेदभाव के चलते रोजाना 60 से 70 क्यूसेक पानी हरदा और टिमरनी पहुंचाए जा रहा है, जिसके चलते टेल क्षेत्र के पानी सप्लाई के कोटे में कटौती की जा रही है और इसी वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश का किसान पहले से ही यूरिया अतिवृष्टि को लेकर खासा परेशान है और ऐसे में अगर समय रहते गेहूं और चने की फसल को पानी नहीं मिला तो कुछ दिनों में सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। कब से पानी नहीं है इसमें? पानी हो गया आज 20 से 25 दिन हो गया, इसमें कोई पानी नहीं है। बोनी ये कोई जब से कोई पानी नहीं, गेहूं सूख रहा है इधर टेल पे तो ज्यादा गेहूं का नुकसान हो रहा है। कोई अधिकारी आते ही नहीं है, आज तक यहाँ देखने नहीं आते। वीरेंद्र तिवारी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र, पहले से ही किसान परेशान, अब जिस तरह से ये अधिकारियों की मनमानी चल रही है, क्या जिम्मेदार कर रहे हैं? जिम्मेदारों का तो कुछ अता पता नहीं है, फोन लगाते तो फोन उठाते भी नहीं है। किसानों का कहना है कि ये लोग बाहर पानी पहुंचा रहे हैं, हम परेशान है, कर एक माह होने को है और इनकी फसलें सूखने के कगार पर है। वजह क्या बताई जाती है कि क्षेत्र के जो किसान है वो पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं और जो उनके क्षेत्र का कोटा है पानी का उसको कहीं और सप्लाई किया जा रहा है। जिले के अधिकारी क्या कर रहे हैं, जो जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, सांसद साहब हैं, आखिर वो क्या कर रहे हैं? हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं कि गांधारी की तरह आंखों में पट्टी बांध ली? मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि यहाँ 4 माइनर हैं, 4 में सबसे ज्यादा समस्या है चोटलाए उप माइनर की है, चोटलाए और मकड़ाई में यहाँ टेल क्षेत्र के किसानों को। आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ एसडीएम रविशंकर जी जुड़ गए हैं। रविशंकर जी बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। रविशंकर जी मेरे साथ मेरे सहयोगी वीरेंद्र जुड़े हैं, क्षेत्र की समस्या बता रहे हैं, जरा आप सुन लीजिए उसके बाद फिर मैं आपसे सवाल करूंगी। वीरेंद्र जरा इनको बताइए किस क्षेत्र का ये पूरा मामला है। मैं बताना चाहूंगा किसानों की जो समस्या है चोटलाए माइनर में अभी एक माह होने को है और आज तक पानी नहीं मिला है। किसानों का कहना है कि पानी यहाँ से टिमरनी और हरदा पहुंचाया जा रहा है। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं नहर विभाग के, वो ना फोन उठाते हैं, ना वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ना कोई मिलते हैं। किसान इस समय बहुत परेशान है। और जी सर जवाब दीजिए। हाँ जवाब, ये पानी सभी बोनी हो गई है, अब सिंचाई का काम चल रहा है तो टेल इलाके में जरूर कुछ जगह पानी नहीं पहुंचा। चौतला के तरफ मेरे को भी खबर किए हैं लोग कि टेल में पानी नहीं पहुंच रहा है, तो हमने सिंचाई विभाग के ई को और बाकी को बताया है कि अब उसको व्यवस्था बनाए ताकि वहाँ भी पानी पहुंच जाए, क्योंकि किसानों को इस समय जरूरत है। सर वाकई में आप भी इस बात को मान रहे हैं ना कि किसानों को, राय साहब की वाकई में जरूरत है, किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद होने की कगार पर? बर्बाद बिल्कुल नहीं हो रही है, वो तो टेल में थोड़ा लेट ही पहुंचता है तो पहुंचाने की प्रयास हो रहा है, तो सब लोग लगे हुए हैं कि टेल में भी पहुंच जाए, क्योंकि सभी किसान इस समय लगे हुए हैं तो पानी का प्रेशर कम हो जाता है तो टेल में पहुंचाने का काम हो रहा है। सर क्योंकि अमूमन इस तरह की समस्या इस क्षेत्र में होती रहती है, क्योंकि ज्यादातर हम कई मरतबा इस क्षेत्र की खबरों को दिखाते आए हैं। क्या क्यों मतलब पहले से ही ऐसी वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्यों नहीं की जाती अगर इन क्षेत्रों में पानी? वैकल्पिक व्यवस्था तो इसलिए नहीं हो पाती कि नहर वही है और किसान जिसके यहाँ पानी दिखता है तो पहले वो सिंचाई का प्रयास करता है, फिर भी हमारा अमला उसमें लगा हुआ है कि हम प्रेशर को बना करके टेल तक पहुंचाए ताकि उनकी भी सिंचाई समय से हो जाए। सर कब तक इनकी समस्या का निराकरण हो जाएगा? तो वहाँ पर जैसा इरिगेशन के लोग बताए हैं कि 2-3 दिन में पूरे टेल तक पानी पहुँच जाएगा और सभी की सिंचाई होगी। ठीक है सर, तो 3 दिन बाद हम आपसे एक बार पुनः संपर्क करेंगे और आपसे बिल्कुल अपडेट लेंगे, क्योंकि आप आश्वासन स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से उन तमाम किसानों को दे रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री कमलनाथ बेहद ही संवेदनशील हैं और अगर इस तरह से लेट लतीफी होती है तो आप भी इस बात की गंभीरता को जानते होंगे कि उनकी तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं को कहीं ना कहीं फिर पलीता भी लग जाता है और जनता का विश्वास भी उठने लगता है। सर हम 2 से 3 दिन बाद आपसे पुनः संपर्क करेंगे और फिर आपसे हम जानेंगे कि आखिर की समस्या का निराकरण हुआ या नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया राय साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, वीरेंद्र आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पीड़ित किसान जुड़ गए हैं ब्रिजेश ब्रिज किशोर जी हमारे साथ। ब्रिज किशोर जी क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? जी
जी मैडम, मैं चोटला है जो अपने मिसरोद माइनर की उप नहर है, ये डोलरिया एसडीओ के अंतर्गत आती है, मतलब डोलरिया डिवीजन के अंतर्गत। इसकी 409 चेन है जो हतनापुर मेन रोड है अपना, आर्डी घाट हतनापुर रोड धर्मकुंडी से निकलता है, उस पे एक बूंद पानी भी नहीं है। हम लोग की बोनी 25 से 30 दिन के होने को है और इससे नीचे 4-5 लोवंशी जी, आपको मैं जानकारी दे दूं, आप से बात होने से चंद सेकंड पहले ही हमारी आपके क्षेत्रीय एसडीएम से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि प्रेशर कम होने की वजह से वहां तक आप लोगों के क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन दो दिन के भीतर 48 घंटे में आपकी समस्या का निदान कर दिया जाएगा, आपके क्षेत्र में पानी आ जाएगा, आप अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। और यदि दो दिन के भीतर अगर आप लोगों के खेतों में पानी नहीं पहुंचता, आपके क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचता है, तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो उम्मीद रखिए आपकी समस्या का निराकरण के लिए उन्होंने दो दिन का वक्त मांगा है। बहुत शुक्रिया लोवंशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।